वेलकम बैक टू विद्यन। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर द रेड ट्रैप के प्रीवियस ईयर सीबीएसई क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस हमेशा सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। सो लेट्स गेट ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन्ट्स टू हेल्प। सो हमें इसमें बताना है कि पेडलर मतलब रेड ट्रैप सेलर, उसने क्यों साइन किया अपने आप को कैप्टन वॉन स्टेहल के रूप में। तो इसका आंसर है एडलर विलियम्सन हैड बीन रेदर नाइस टू द पेडलर एंड हैड ट्रीटेड हिम विद द ऑनर दैट वाज ड्यू टू अ कैप्टन। तो एडलर विलियम्सन ने वो बहुत ही नाइस थी टू द पेडलर और उसे एक बहुत ऑनर के साथ उसने ट्रीट किया। और वो उसने एडला ने इसलिए किया क्योंकि उसे वो लगा कि ये कैप्टन वो ओनर कैप्टन की तरफ है। द पेडलर थ्रू हिज मिस्टेकन आइडेंटिटी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू रेज हिमसेल्फ एंड गेट अबव द पिटी टेम्पटेशंस ऑफ द वर्ल्ड। और पेडलर को कैप्टन की मिस्टेकन आइडेंटिटी से उसे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो अपने आप को रेज करे और जो पिटी टेम्पटेशंस है वर्ल्ड के उससे बाहर आ सके। तो इसीलिए उसने आपको साइन किया एज ए कैप्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द पेडलर थिंक दैट द वर्ल्ड वॉज अ रेड ट्रैप। अब पेडलर यानी कि रेड ट्रैप सेलर, पेडलर आप जब भी क्वेश्चन में मिलेगा तो वो रेड ट्रैप सेलर को ही रेफर होगा। तो ये है कि पेडलर क्यों सोचता था कि जो वर्ल्ड है, जो दुनिया संसार है, वो एक रेड ट्रैप है। इसका आंसर है द पेडलर कंसिडर द होल वर्ल्ड एज अ बिग रेड ट्रैप इट्स सोल पर्पज बींग टू सेट बेट्स फॉर पीपल। क्यों पेडलर ने कंसिडर करता है वर्ल्ड को, पेडलर ने संसार को एक बड़ा रेड ट्रैप इसलिए माना क्योंकि जो वर्ल्ड है, जो संसार है, उसका सिर्फ और सिर्फ सोल पर्पस ये है कि वो लोगों के लिए चारा सेट करता है। बेट्स मतलब चारा। जैसे हम चूहे दानी में चूहे को पकड़ने के लिए रोटी का टुकड़ा लगाते हैं, ऐसे ही संसार में जो संसार है वो लोगों को ट्रैप करने के लिए बेट्स लगाता है। बेट्स क्या होते हैं? वो होते हैं जॉयज एंड रिचेस। The joys and riches of this world are nothing but tempting baits. Joys and riches और कुछ नहीं इस संसार में, सिर्फ और सिर्फ एक tempt करने वाले चारे हैं। And anyone who is tempted by them was captured by the red trap which completely closed in on him. और जो भी इस चारे से tempt होता है वो इस बड़े संसार के red trap में कैद हो जाता है और बड़ा red trap उस पर completely close हो जाता है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर। अब मतलब कि एडला जो पेडलर ने एडला के लिए गिफ्ट छोड़ा था, तो एडला उस गिफ्ट को देख के हैप्पी क्यों हुई। एडला वाज हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर एज ही हैड रिस्पेक्टेड हर फेथ इन हिम। अब इतना आपको क्वेश्चन में से लिख देना है कि एडला वॉज हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर एज ही हैड रेस्पेक्टेड हर फेथ इन हिम। क्योंकि जो एडला ने रेड ट्रैप सेलर में विश्वास अपना फेथ दिखाया था, तो उसने रेड ट्रैप सेलर ने एडला के फेथ को रेस्पेक्ट किया। एडला हैड रिटेन्ड हिम इन हर हाउस इवन आफ्टर नोइंग हिज रियल आइडेंटिटी एंड ही इन टर्न हैड शोन हर द गेस्ट शी हैड ऑनर्ड वॉज एज ऑनरेबल एज द कैप्टन। एडला ने रिटेन करा था रेड ट्रैप सेलर को अपने घर में, उसने रेड ट्रैप सेलर को रहने दिया। कब? जब उसे उसकी रियल आइडेंटिटी भी पता चल गई थी कि ये रेड ट्रैप सेलर है। एंड इन टर्न हैड शोन हर द गेस्ट शी हैड ऑनर्ड और उसने एडला ने उसे ऐसे ही ऑनर दिया जैसे कि ऑनरेबल होता है एक कैप्टन। द लेटेंट गुडनेस ऑफ हिज हर्ट हैड बीन अवेकन्ड। तो इसकी वजह से, एडला के इतने प्यार की वजह से, उसके फेद उसकी ट्रस्ट की वजह से, जो रेड ट्रैप सेलर था उसके अंदर उसके हर्ट में उसकी लेटेंट गुडनेस जाग गई। एंड ही हैड बीन एबल टू ओवरकम द बेट ऑफ द रेड ट्रैप और रेड ट्रैप सेलर रेड ट्रैप के बेट से बाहर आ गया। Which act of the crofter surprised the peddler? Why? अब इसका मतलब है कि crofter के किस एक्ट की वजह से
पेडलर सरप्राइज हो गया और क्यों? द पेडलर, इसका आंसर है द पेडलर वॉज ऑलवेज शर्नड अवे वेयर एवर ही वेंट। शर्न अवे मतलब उसे भगा दिया जाता था, पेडलर को हमेशा भगा दिया जाता था जहाँ पे भी वो जाता था। नो वन ट्रीटेड हिम विद काइंडनेस एंड सो ही हैड लॉस्ट ऑल होप ऑफ बींग शोन एनी काइंड ऑफ वार्मथ। कि मतलब पेडलर को कोई भी काइंडनेस से कोई भी ट्रीट नहीं करता था, तो पेडलर ने अपनी सारी की सारी होप, सारी आशाएं और सारे काइंड ऑफ वार्मथ उसने खो चुके थे। बट वेन ही अप्रोच द क्रॉफ्टर्स रोड साइड कॉटेज ही वॉज सरप्राइज बाय द लेटर्स वार्म वेलकम एंड जेनरस हॉस्पिटैलिटी। अब देखो इसमें क्वेश्चन में लेटर्स का क्या मतलब है। लेटर्स का मतलब है पहले ही है, बट वेन ही है, ही का मतलब तो यहाँ पे पेडलर है, और क्रॉफ्टर है जो लेटर्स का मतलब होता है जो लास्ट वाला हो, तो यहाँ पे लेटर्स मतलब क्रॉफ्टर है। लेकिन तो ये आंसर दिया हुआ है कि जब उसने क्रॉफ्टर ने पेडलर को बहुत ही अच्छे तरह से उसे वेलकम किया और जनरस हॉस्पिटैलिटी मतलब जब कोई आपके घर में आता है उसकी कैसे मेहमान नवाजी करते हो, तो ये उसके क्रॉफ्टर की मेहमान नवाजी और वार्म वेलकम को देख के जो पेडलर था वो सरप्राइज हो गया था, क्योंकि उसे कोई काइंडनेस से ट्रीट करता नहीं था और जिसने करा क्रॉफ्टर ने किया, तो वो ऐसे उसके वार्म वेलकम और हॉस्पिटैलिटी को देख के, जनरस हॉस्पिटैलिटी को देख के वो सरप्राइज हो गया। आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज द पेडलर ट्रीटेड एट द क्रॉफ्टर्स कॉटेज। अब वही बात बतानी है इसमें कि क्रॉफ्टर के कॉटेज पे पेडलर को कैसे, पेडलर कैसे ट्रीट हुआ। एंड यू नो द आंसर, एट द क्रॉफ्टर्स कॉटेज द पेडलर वाज वेलकम्ड वार्मली एंड रिसीव्ड जनरस हॉस्पिटैलिटी। कि क्रॉफ्टर के कॉटेज में पेडलर का वेलकम हुआ बहुत वार्मली और उसे रिसीव हुई जनरस हॉस्पिटैलिटी। द क्रॉफ्टर वॉज एन ओल्ड एंड लोनली मैन एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेटिंग द पेडलर्स कंपनी ओवरजॉयड हिम। अब जो क्रॉफ्टर था वो बहुत ही बूढ़ा आदमी और बहुत ही लोनली अकेला आदमी था, और जब उसे लगा कि कोई उसके घर पे आया है, उसे पेडलर्स की कंपनी मिलेगी, तो वो इसी थॉट से वो ओवरजॉय हो गया। सो ही पोर्ड ऑल हिज वार्मथ एंड फ्रेंडली कॉर्टेसी ऑन द पेडलर। तो क्रॉफ्टर ने अपना सारा का सारा वार्मथ एंड फ्रेंडली कॉर्टेसी पेडलर पे फोर कर दी, मतलब उसने अपना बहुत ही प्यार से उसका वेलकम किया, बहुत ही काइंडनेस से उसे हॉस्पिटैलिटी दी। नेक्स्ट इज व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। अब क्रॉफ्टर इतना टॉकेटिव क्यों हो रहा था और कितना फ्रेंडली क्यों घुल मिल गया था पेडलर के साथ? अब इसकी वजह तो ये थी कि द क्रॉफ्टर वाज लोनली। क्रॉफ्टर आपको पता है लोनली था, ही लिव्ड अलोन इन हिज कॉटेज विदाउट अ वाइफ। वो बिना अ चाइल्ड और एनी कंपेनियन, वो बिना बच्चों के, बिना पत्नी के अपने कॉटेज में या फिर बिना किसी कंपेनियन के अपने कॉटेज में रहता था। सिंस ही सफर्ड फ्रॉम एक्यूट लोनलीनेस ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। अब जब कोई भी इंसान इतना लोनली हो जाता है ना, तो उसके पास कोई, अगर उसे कोई बात करने को मिल जाए तो वो बहुत हैप्पी हो जाता है। यही रीज़न था कि वो बहुत ही लोनलीनेस से था। बूढ़े आदमी आप जब भी जाओगे ना, उनसे कोई बोलता नहीं है, तो वो लोनली हो जाता है। और कोई भी ऐसे आप जाओगे तो वो बहुत ही अपना प्यार दिखाते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से हमें फ्रेंडली तरीके से बोलते हैं। ऐसे ही क्रॉफ्टर था कि क्रॉफ्टर ही सफर्ड फ्रॉम एक्यूट लोनलीनेस, तो इसीलिए वो एक्सट्रीमली हैप्पी हो गया जब उसे पेडलर की कंपनी मिली, व्हेन ही गॉट द पेडलर्स कंपनी। दैट इज़ व्हाई ही वाज सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, और इसीलिए वो इतना टॉकेटिव और फ्रेंडली था पेडलर के साथ। ये क्वेश्चन CBSE में प्रीवियस ईयर में हमेशा पूछे जाते हैं, और आई होप इस एग्ज़ाम में भी आपके पूछे जाएंगे, तो इन्हें अच्छे से रीड एंड अपने दिमाग में बिठा लेना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द पेडलर सरप्राइज्ड व्हेन ही नॉक्ड ऑन द डोर ऑफ द कॉटेज। पेडलर क्यों सरप्राइज्ड हुआ जब उसने नॉक किया कॉटेज के डोर पे? आंसर इज, एट द क्रॉफ्टर्स कॉटेज द पेडलर वॉज वेलकम्ड वार्मली एंड रिसीव जनरस हॉस्पिटैलिटी। वही आंसर है कि क्रॉफ्टर के कॉटेज पे पेडलर को वेलकम हुआ बहुत वार्मली और उसे मिली जनरस हॉस्पिटैलिटी। एंड द क्रॉफ्टर वॉज एन ओल्ड एंड लोनली मैन एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेटिंग हिम द पेडलर्स कंपनी ओवरजॉयड हिम। यही सेम लिखना है जो पहले था,
तो इसीलिए उसने सारा वार्म एंड फ्रेंडली कोर्टेसी उस पर उड़ेल दी। ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा मैं जल्दी पढ़ा रही हूँ, जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और मैं नहीं चाहूँगी आप अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट करें। ओके, सो व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज। पेडलर का क्यों पेडलर ने अपने वेज चेंज करे थे फाइनली। पेडलर ने इसलिए चेंज किए थे क्योंकि पेडलर वॉज टच बाय एडलास काइंड ट्रीटमेंट। अब पेडलर को एडला के काइंड ट्रीटमेंट से बहुत ही वो टच हो गया। शी ट्रीटेड हिम लाइक अ कैप्टन इन स्पाइट ऑफ नोइंग हिज रियल आइडेंटिटी। एडला ने उसकी रेट्रिप सेलर की रियल आइडेंटिटी जानते हुए भी उसे एक कैप्टन की तरह ट्रीट किया। दिस इवेकन द लेटेंट गुडनेस ऑफ हिज हार्ट बट ही वॉन्टेड टू शो एडला ही वॉज वर्दी ऑफ द ऑनर शी हैड गिवन हिम। इसकी वजह से एडला के काइंड ट्रीटमेंट की वजह से उसकी लेटेंट गुडनेस उसके हार्ट में जग गई और वो इसी वजह से वो चाहता था एडला को दिखाना कि जो तुम मुझे ट्रीटमेंट दे रही हो ना उसका मैं वर्दी हूँ, मैं उसके लायक हूँ, मैं उसके काबिल हूँ। सो ही फाइनली चेंज हिज वेज, इसी वजह से उसने अपने वेज चेंज कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द पैडलर कीप टू द वुड्स आफ्टर लीविंग द क्रॉफ्टर्स कॉटेज, हाउ डिड ही फील। अब इसमें आपको बताना है कि जब वो क्रॉफ्टर के कॉटेज से जाने के बाद पैडलर जंगलों की तरफ क्यों गया और उससे कैसा फील हुआ। द पैडलर डिस्कार्ड्स द पब्लिक हाईवे। पैडलर जो था पब्लिक हाईवे के बाद गया था एंड कीप्स टू द वुड्स और वो जंगल में चला गया। आफ्टर लिविंग, जब उसने छोड़ा क्रॉफ्टर के कॉटेज क्योंकि वो चाहता था कि वो अवॉइड करना चाहता था कि मैं पकड़ा ना जाऊं। जो उसने 30 क्रोनर चुराए थे किससे, क्रॉफ्टर के घर से। ही वॉक्स थ्रू मेज ऑफ फॉरेस्ट पास बट लैंड्स नोवेयर। When he realizes he has been trapped, he feels extremely tired. अब ये तो बात आ गई कि वो कैसे पहुंचा, मतलब क्यों गया, क्योंकि इसलिए गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो 30 क्रोनर्स जो उसने चुराए हैं वो उससे पकड़ा जाए। He walks through mazes of forest paths but lands nowhere. When he realized, जब उसे realize हुआ कि वो trapped हो चुका है क्योंकि वहाँ पे बहुत ही forest, वो walk कर रहा था forest के पास से लेकिन उसे कहीं भी land नहीं मिला, तो फिर उसने realize किया कि वो trap हो चुका है और उसने बहुत ही extremely tired feel किया और वो ज़मीन पे गिर गया बहुत ही दुख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द स्ट्रेंजर एग्री टू गो टू द आयरन मास्टर्स हाउस। क्या स्ट्रेंजर एग्री हो गया था आयरन मास्टर्स हाउस पे जाने के लिए, क्यों या क्यों नहीं, कि आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि जो स्ट्रेंजर यानी कि जो पेडलर या फिर बोलो रेड ट्रैप सेलर सब सेम ही है, क्या वो आयरन मास्टर के हाउस में जाने के लिए एग्री कर गया। अगर हाँ तो क्यों और नहीं करा तो क्यों नहीं, ये आपको बताना है। सो इनिशियली द स्ट्रेंजर डिक्लाइन द आयरन मास्टर्स इनविटेशन। तो शुरुआत में तो स्ट्रेंजर ने डिक्लाइन कर दिया आयरन मास्टर का इनविटेशन। ही हैड द स्टोलन 30 क्रोनर्स ऑन हिम एंड थॉट इट वाज लाइक गोइंग इनटू द लायंस डेन, क्योंकि उसके पास उसके चुराए हुए 30 क्रोनर्स थे और उसे लगा कि ये तो ऐसा होगा जैसे कि लॉयन के डन में जाना है। बट देन ही एक्सेप्टेड द आयरन मास्टर्स इनविटेशन बिकॉज एडलास सिंपैथी एंड कंपैशन अलेड हिज फियर्स एंड हर फ्रेंडली मैनर मेड हिम टू हैव कॉन्फिडेंस इन हर। लेकिन उसके बाद में उसने आयरन मास्टर के घर पे जाने का एक्सेप्ट कर लिया था और एडला की सिंपैथी और कंपैशन ने उसके सारे फियर्स हटा दिए और उसका फ्रेंडली एडला के फ्रेंडली मैनर से उसमें कॉन्फिडेंस आ गया। सो ये थे आपके द रैप ट्रैप चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर CBSE के शॉर्ट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। सो थैंक यू, बाय बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल विद्यन एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन, तो आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इंग्लिश के अलावा और भी सब्जेक्ट के मिलेंगे, डोंट वरी, कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट के मिलेंगे। सो
प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और अगर ये वीडियो समझ आई हो या पसंद आया तो लाइक करना, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बता देना, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी आपके डाउट्स को। बाय बाय।